क्या लगा? कहानी खत्म हो गई? मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली भाई भूल भुलैया मूवी 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो भाई बता दो, भूल भुलैया मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो स्क्रिप्ट पे काम करा गया, तो फाइनली भाई मेकर्स ने स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया और भाई इसके मूवी के अनाउंसमेंट कर दिए और अनाउंसमेंट टीजर भी दे दिया है। तो बता दो भाई, कल शाम 7 बजे भाई इस मूवी का टीजर देखने को मिला था। अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि दिवाली 2024 को ये मूवी रिलीज होगी, तो उस टाइम पर आप अपनी मूवी रिलीज मत करना क्योंकि रू बाबा आने वाले, यानी कि कार्तिक आर्यन की मूवी आने वाली है भूल भुलैया 3। तो चलिए बात करते हैं मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है, क्योंकि भाई अभी तक मूवी की स्टोरी का पता किसी को भी नहीं चला है। तो भाई बात करते हैं मूवी की स्टोरी को लेकर। तो भाई बता दूं, इस बार भी इसमें मंजिल का होने वाली है और पिछली जो कास्ट है वही रिपीट होने वाली है, यानी कि आपको इसमें कार्तिक आर्यन, कार्य अडवाणी देखने को मिलने वाली है, शायद तब भी इसमें देखने को मिल जाए। चलिए बात करते हैं क्या इस मूवी में अक्षय कुमार भी आ सकते हैं। तो हाँ भाई, इस मूवी में पॉसिबल अक्षय कुमार भी आ सकते हैं। अगर इस मूवी को भाई भूल भुलैया 2 से अच्छे लेवल पे बना रहे हैं तो अक्षय कुमार को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार भी यार उनका टाइम सही नहीं चल रहा, उनकी मूवी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हो रही है। तो मे भी शायद इसमें अक्षय कुमार देखने को मिल जाए तो यार मज़ा ही आ जाए। चलिए बात करते हैं मंजलिका इस बार किस में आ सकती है। तो भाई बता दूं, कार्तिक आर्यन में तो मंजलिका आने नहीं वाली, उनमें भाई एक अलग चेंज आएगा कि भाई वो रू को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनके अंदर भी जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं बच्ची कियारा आडवाणी। तो भाई कियारा आडवाणी के अंदर शायद मंजलिका इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी मज़ा देखने में आने वाला है। तो दोस्तों अपनी राय आप भी दीजिएगा कि किसके अंदर मंजलिका आने वाली है और भाई क्या इसमें देखने को मिलने वाला है, क्या स्टोरी लाइन हो सकती है, भाई अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।